ऐसा है कि सीसीआईटी अमृतसर ने हमें एक लेटर निकाली थी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन को कि हमारा जो रूम है उसको खाली किया जाए। साढ़े को सिर्फ उत्ते 700 स्क्वायर फिट का एरिया हैगा वै और जिते साढ़े सैकड़ा मैंबर बैठते है उत्ते साढ़े एजुकेशनल प्रोग्राम चलते रहते है। इनकम टैक्स दियाँ जो भी नवीं सर्कूलर आते है कोई नोटिफिकेशन आती है कोई वो सारे आप बैठ के उत्ते ज्वाइंटली डिस्कस करने हैं। फिर साढ़े जोड़े क्लाइंट उत्थे आते रहते उत्थे बैठते है नाल साढ़े आप उन्होंने कहा कि साढ़े को सिर्फ 700 स्क्वायर फिट एरिया है और साढ़े सैकड़ा मैंबर है और तुहाडे कोल 60,000 स्क्वायर फिट एरिया हैगा वै और 150-200 इंप्लाई है तुहानू साढ़े कमरे पर नज़र नहीं रखनी चाहिए हैगी। बट वो सीसीआईटी अमृतसर बहुत बेसिकली रिजिड रहे, उन्होंने कहा नहीं जी मैं कमरा खाली कराना गया। आप इन द मेन टाइम कोर्ट के एप्लीकेशन अपनी फाइल कर दी तो कोर्ट के मैटर चलता पाया सी। इसके बाद इन्होंने एक पुलिस को कंप्लेंट दी, पुलिस ने साढ़े सैकटरी बुलाया उत्थे पुलिस ने बंडाल साहब अगे सी डीसीपी साहब उन्होंने कहा कि आप कमेटी बना देने कि आपस लड़ाई झगड़ा नहीं करना प्यार नाल बैठ के एमीकेबली मैटर नू सुलझा लईए। आप पंडाल साहब की गल यस की, उन्होंने कहा कि दो मैंबर एसोसीएशन दे दो मैंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे दो पुलिस दे बंदे बैठ जाएंगे तो जो ज्वाइंटली डिसीजन होएगा वो अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस गल तो भी मुकर गया तो पिछे हट गया। इन द मीन टाइम साडा डेलीगेशन दिल्ली जाके लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी नूं मिल के आया, उन्होंने सारी गल दसी कि साढ़े नाल धक्का हो रहा है वै 65 साल तो साढ़े को कमरा आ गया 1959 तो लैके तो अज सानू कमरा खाली करने लिए किया जा रहा है जोड़ा कि बड़ी मंदभागी गल हैगी है। उन्होंने साड़ी गल इमीजिएटली समझते हुए सीबीटीटी चेयरमैन नूं फोन किया और बड़ी क्लीयर कट इंस्ट्रक्शन दित्तियां कि यह कमरा इन्हां कोल ही रहना चाहिए, सरकार चाहती है कि 12 रहनियां चाहीदियां ही है क्योंकि बाहर जड़े मैंबर हैगे है वो सरकारी अधिकारियों के विच ते जनता के विच एक पुल का काम करते है तो गवर्नमेंट साड़ी जी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बार्स में प्रमोट करना चाहती है। पर इन्होंने मैडम जहाँ से बख्तर ने उन्होंने भी गल नहीं सुनी गई और पिछले शुक्रवार कमरे का ताला तोड़ के कब्जा कर लिता है। और देखो गल जो मैटर कोर्ट के हैगा वै तो इन्हों सवाल करना चाहिए थोड़े, मैं थोड़े सारे पत्रकारों मीडिया वाले अपील करना कि इन्हों पुछन जाके कि जो मैटर कोर्ट के हैगा सी तो शुक्रवार रात में ताला तोड़ के कब्जा किवें कर सकते हो। जड़े लोगों ने कानून नू इंप्लीमेंट करना है शहर के कानून तोड़न गए तो फिर शहर के हालात की बनने जाके यह सवाल इन्हों को पूछना चाहिए। दूसरा सवाल जो फिर आप सोमवार उत्थे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सानू पता लग्या तो इन्होंने हैवी पुलिस फोर्स उत्थे डिप्लॉय कर दी, उत्थे एंटी रॉयड के बंदे बुलाए हुए सी, वाटर कैनन बुलाए हुए कि जिवें पता नहीं बड़े वड्डे क्रिमिनल आ रहे हैं क्रिमिनल नू अरेस्ट करना है। पिछले 65 साल मैं तुहानू दसना चाहना वा कि साडी एसोसीएशन कभी भी किसी डिस्प्यूट दे विच नहीं रही है। 65 साल पहला मौका हैगा वै कि सानू यह झगड़े ते लई उतरना पै रहा है, सानू सड़कों पर उतरना पै रहा है, उतरना इस कारण पै रहा है कि साडा हक मारिया जा रहा है, अपने हक लई अज आप सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिर देखो ऐसा हैगा वै कि कोर्ट ने जो आप केस फाइल किया तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट के एप्लीकेशन दी साडा केस नहीं बनता एड्रेस पासर्स है, कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। फिर आप पुलिस को उसके बाद कंप्लेंट दी गई सी कि साडा समान उतों की गायब होया, सानू लैके चलो साडे कमरे ते ते समान की वेरीफिकेशन कराओ साडा कड़ा कड़ा समान गायब होया हैगा वै ते इन्हां दे खिलाफ FIR करो। आप कंप्लेंट दी है पर अज तक पुलिस ने इन्हां दे खिलाफ FIR नहीं की। फिर आप कोर्ट के 156(3) के रिक्वेस्ट दी जज साहब नूं कि भाई इहदा स्टेटस रिपोर्ट पुलिस को इनकुआयर की जाए। 28 तरीक जज साहब ने पाई हुई है, पुलिस को कहा वै कि स्टेटस रिपोर्ट दो, पर अज तक पुलिस ने कोई कॉन्टैक्ट सानू नहीं किया। तो आप वेट करने पाए हैं कि पुलिस का जो रवैया अज की डेट लग रहा है वो इनकम टैक्स कमिश्नर की फेवर च बहुत ज़्यादा हैगा वै। सो साडे नाल ते एक बड़ी एक पढ़े लिखे बंदियां दे नाल जिहड़े कि एक पीसफुली शहर के रेंदे पे से अपना काम करते पे से बहुत वड्डा धक्का हो रहा है। जे पढ़े लिखे बंदियां दा यह हाल हो सकता तो आम जनता का हाल की होएगा, तुसीं इस गल तो अंदाजा लगा सकते हो। और इन्हां दी एंट्री बंद कर दी वकीलों की और उसके तो बाद जो असी पुलिस को कार्रवाई लिखा पुलिस ने अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की, सो वे अगेंस्ट असी धरने के उत्ते आए हैं।
ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਅਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ